नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौर। उत्तराखंड ने बेरोज़गारी का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहरी बेरोज़गारी युवाओं की, यानी कि देश में पहले स्थान पर उत्तराखंड पहुंच चुका है। और ये बात हम नहीं बल्कि केंद्र की NSO संस्था कह रही है, जिनके सर्वेक्षण में ये निकला है कि उत्तराखंड के जो शहरी बेरोज़गार युवा हैं उनकी संख्या देश में सबसे ज़्यादा है। लेकिन क्या युवाओं को राज्य सरकार नौकरी दिला पाएगी, या फिर जिन युवाओं को नौकरी दी भी गई है उन युवाओं की नौकरी उनको कब तक वापस दी जाएगी, यही रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार हकीकत क्या है। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं उन बेरोज़गार युवाओं के पास जिनके पास पिछले कुछ महीने पहले रोज़गार ज़रूर था, लेकिन राज्य सरकार ने अब उनका रोज़गार छीन लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के उन स्वास्थ्य कर्मियों की जिन्होंने कोरोना काल में काम किया और उस वक्त में काम किया जब सभी लोग अपने घरों के अंदर थे। आखिरकार क्यों उन लोगों का रोज़गार छीना गया और जिस तरीके से रोज़गार नहीं मिल रहा है और बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो ऐसे में उन युवाओं का क्या कहना है, ज़रा आपको वो सुना देते हैं। उत्तराखंड में रोज़गार से ज़्यादा बेरोज़गार हो चुके हैं और बेरोज़गारों की संख्या इस हद तक हो चुकी है कि शहरी बेरोज़गारों की संख्या पूरे देश में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है। यानी कि बेरोज़गारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जिन लोगों के पास 6 महीने पहले रोज़गार था भी, राज्य सरकार ने जिन्हें कोरोना काल में रोज़गार दिया, अब उनका रोज़गार भी छीन लिया। जी हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मचारियों की जिनको कोविड के दौरान रोज़गार तो दिया गया, लेकिन जैसे ही प्रदेश से कोविड गया उसके बाद से उन लोगों का रोज़गार भी चला गया। आखिरकार किन मुसीबतों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि आखिरकार राज्य सरकार क्या बेरोज़गारों को रोज़गार दे पाएगी, या जिनके पास रोज़गार है उनके रोज़गार भी छीनेगी। हमारे साथ कई युवा यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसे क्या हुआ कि आप लोगों का रोज़गार चला गया। सर, हम लोग कोविड के दौरान समस्त प्रदेश में लगभग 2200 की संख्या हम लोगों की है और हम लोगों को कोविड महामारी के दौरान रखा गया था। हम लोगों की सरकार से केवल एक ही मांग थी कि हम लोगों को, क्योंकि 31 मार्च को हटा दिया गया था, तो हम लोग सरकार से केवल एक ही मांग कर रहे थे कि हम लोगों का सेवा बहाल कर दी जाए, ताकि हम लोग जितने भी लोग हैं, पूरे 2200, सर यहाँ पे 2200 लोगों की बात नहीं है, 2200 परिवारों की बात भी है सर, तो हम लोग यही चाह रहे थे कि समस्त जितने भी 2200 लोग हैं उन सभी को रोज़गार मिले, क्योंकि उस घड़ी में इन सभी लोगों ने काम किया है। जिस टाइम पे लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं थे, तो उस टाइम पे जितने भी कोविड वॉरियर हैं, हम लोगों को कोविड वॉरियर का दर्जा दिया गया सर। लेकिन आज की डेट पे देखिए आपकी 50 दिन हो चुके हैं हम लोगों को, लेकिन सरकार हमारी सुध लेने को तैयार नहीं है। सरकार आपके सुध लेने के लिए तैयार नहीं है, और ये बात बिल्कुल सही है कि जब कोरोना काल में लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया था, उस समय इन लोगों को भर्ती किया गया और इन्होंने ऐसी स्थिति में काम किया जिस स्थिति में शायद बड़े बड़े डॉक्टर भी काम करने के लिए तैयार नहीं थे। सर, क्या नाम है आपका? रतनमणि डिमरिया सर मेरा नाम। और हमने उस टाइम, जिस टाइम विश्व, पूरा देश और विश्व संकट की घड़ी में था, उस टाइम हमने देश का साथ दिया और आज हमको रोड पे छोड़ दिया गया हमको कि आपकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं। और हमने ऐसे काम करके भी इन्होंने योद्धाओं की उपाधि दी हमको, योद्धाओं को अब रोड पे भीख मांगने के लायक भी नहीं छोड़ा। और ये ऐसी संकट की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हमारे ऊपर पुष्प वर्षा की गई, और उस पुष्प वर्षा का नतीजा ये है कि हम रोड पे खड़े कर दिए गए हैं। यानी कि आज कोई रोज़गार आप लोगों के पास नहीं? जी, रोज़गार छीन लिया गया और नई सरकार बन के हमको उम्मीद थी माननीय धामी जी से, डॉक्टर धन सिंह रावत जी से, लेकिन कैबिनेट पहले दिन से कैबिनेट कर रहे हैं और कैबिनेट बिठाई गई, उसमें हमारा मामला नहीं रखा गया। आप एक लड़की हैं और ये देखा जाता है कि कोरोना के दौर पर कोई व्यक्ति नहीं चाहता था उनके घर के बच्चे बाहर जाएं, लेकिन ऐसे दौर में आप लोग बाहर निकले, आप लोगों ने लोगों की रक्षा की, अब आपको सड़कों पर सरकार ने छोड़ दिया, तो क्या कहेंगे सरकार के लिए?
सर, हमें आश्वासन मिला था सरकार की तरफ से, हमने कोविड में कैसा काम किया मेरे भाई लोग आपको बता चुके हैं। उसके बाद भी सर सरकार ने हमें आश्वासन दिया, हम 50 दिन से बैठे हुए हैं, हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपकी मांगें पूरी की जाएंगी। हम स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत सर से भी मिले, उन्होंने भी हमें बार बार आश्वासन दिया कि उन्होंने मीडिया में भी ये चीज़ बोली, कल नर्स डे था उन्होंने वहाँ भी ये चीज़ बोली है कि हम उन बच्चों को उठाने जा रहे हैं, रोजगार का संकट आ चुका है उन पर, मुझे आज उन्हें उठाना। उसके बाद भी कल वो नर्सें जिन्होंने कोविड में काम किया था वो यहाँ सड़कों पे बैठी है और आप सब लोग नर्स डे मना रहे हो, और वो नर्स जिन्होंने कोविड के दौरान इतना अच्छा काम किया है वो नर्स सड़कों पे बैठी है। हमें झूठा आश्वासन मिलता गया, हमने 50 दिन कैसे कैसे करके धरना, कल ये हाल है कि कैबिनेट में तो हमारा मुद्दा आया ही नहीं, लेकिन जहाँ हम बैठे थे वहाँ से भी हमें उठा दिया गया है, हमारा टेंट सब कुछ हटा दिया गया है। तो सर आप ये बताइए, हम मतलब इतने ज़्यादा निराश हैं, कल हम लोग सब रो रहे थे क्योंकि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और हमें सिर्फ आश्वासन मिला वो भी झूठा। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी को पढ़ाने के बाद ऐसे सड़कों पे बैठना है तो ये नारा क्यों है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों इस नारे को लगा रहे हो? दूसरा, हमारा सरकार में जो हमारे धामी सर है उन्होंने सबसे पहले बोला था मैं बेरोजगारी दूर करूंगा, तुमने तो जो रोजगार जिन्हें दिया है उनका भी रोजगार छीन लिया ना, 2000 लोगों का रोजगार छीना है और ऊपर से तुम बोल रहे हो कि मेरा मुद्दा है कि मैं बेरोजगारी हटाऊंगा। तो सरकार की क्या दोहरी नीति है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार क्या दोहरी नीति, मतलब तुम 2200 लोगों को उनका बेरोजगार कर चुके हो, तुम उन्हें भी रोजगार नहीं दे रहे हो और तुम्हारा मुद्दा है कि तुम प्रदेश से बेरोजगारी हटाओ, जिनके पास रोजगार था रोजगार भी छीन लिया और तुम्हारा मुद्दा यह है कि तुम बेरोजगारी हटाओगे, तो ये सरकार की कौन सी दोहरी नीति है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है सर। आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की कोरोना के काल में और ये देखा गया कि इंतज़ार आप लोग करते थे कि आप लोगों को रोज़गार मिले, रोज़गार मिला और ऐसी स्थिति में मिला जब लोग रोज़गार करने को तैयार नहीं थे, घर में बैठने को तैयार थे, लेकिन अब जब रोज़गार करने का समय था, नौकरी करने का समय था, तब घर बिठा दिया गया। हाँ, हम उस समय काम किया जब सभी लोग घर में बैठे हुए थे और कोई भी बाहर नहीं आना चाहता था क्योंकि सभी लोगों को अपनी जान प्यारी थी, हमने उस समय अपनी जान में डालकर अपने बीवी बच्चों को, क्योंकि जब हम घर जाते थे तो कोरोना उनको भी हो सकता था, तब भी हमने काम किया सरकार के साथ थे और सरकार आज हमारे साथ नहीं है। कल भी मंत्री जी ने हमसे बोला, स्वास्थ्य मंत्री जी ने, कि आपका समायोजन हो जाएगा, कल आपको लेटर मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बेवकूफ़ बनाया जाए, आपका क्या कहना है इस पर? एक बड़ी चीज़ ये है कि जो रोज़गार दिया जाना चाहिए था सरकार की तरफ से समय समय पर, वो नहीं दिया गया और आज स्थिति ये है कि उत्तराखंड में जो बेरोज़गारी दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा बेरोज़गार इस समय उत्तराखंड में है। सर वही है, हमें डे वन से तो आश्वासन नहीं मिल रहा है। हम धामी जी से भी मिले, हम हरिद्वार से आए हैं, कुछ बच्चे यहाँ हरिद्वार से अलग अलग ज़िले से आए हैं, तो हमें डे वन से आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ आपका होगा, पर ये सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं, हमारे लिए कोई काम नहीं हो रहा है। हमें अब साफ नज़र आ गया कि हमारे लिए कुछ काम नहीं हो रहा, उल्टा हमें जहाँ से हमें बिठाया था वहाँ से भी हटा दिया। आपका क्या कहना है इस पर? जैसे कि हमने सरकार का उस समय साथ दिया जिस समय सरकार किसी भी सुध नहीं ले रही थी और सरकार ने हमें इस हालात में छोड़ दिया कि ना हम इधर के रहे ना उधर के, सरकार का हमने कंधे से कंधा मिला के कोरोना मुक्त यहाँ से जितना भी हो सके हमने कराया और सरकार ही आज हमारा सुध नहीं ले रही, तो ऐसी सरकार के क्या कहना फिर? अब बेरोजगारी, हम आर्थिक स्थिति से भी परेशान है और मानसिक स्थिति से भी परेशान है, अब बताइए हमें क्या कर सकते हैं स्थिति में? हम वहाँ हमारा धरना चल रहा था यहाँ दोनों हॉस्पिटल में, यहाँ भी रात हमारा धरना वहाँ से हटा दिया, टेंट हटा दिए गए हैं, अब अभी हम यहाँ बैठे हैं पार्क में, मतलब स्थिति बेहद ख़राब है। एक आप बचे हैं, आप, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ काम करते थे, अस्पताल में किस जगह पर काम करते थे और क्या आप लोगों का काम था? मैं यहाँ पे दून अस्पताल ब्लड बैंक में काम करता था और आज वहाँ की भी स्थिति इतनी ख़राब है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाकायदा कैंप लग रहे हैं वहाँ के लिए, डॉक्टर नहीं है, नर्स ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत है। और हमें यहाँ पर लगातार 1.5 महीना यहाँ पर हड़ताल में हो गया है और अभी तक हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई। धन सिंह रावत जी ने बहुत आश्वासन दिया कि तुम्हारा कैबिनेट में मामला रखेंगे, पर ना उन्होंने रखा ना धामी जी ने रखा। लगातार हमें यहाँ पे 45 दिन से ऊपर हो चुके हैं और अब जहाँ पे हम बैठ रहे थे वो जगह पे भी गाड़ियाँ खड़ी कर दी, वहाँ पे भी हमें बैठने नहीं दिया जा रहा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बेरोज़गारी दर तो प्रदेश में बढ़ रही है, लेकिन एक बड़ी समस्या प्रदेश में ये है कि जिन लोगों के पास रोज़गार था, जिन लोगों को कोरोना काल में राज्य सरकार ने रोज़गार दिया था और जिनसे राज्य सरकार को उम्मीद थी कि शायद कोरोना काल में वो जनता की मदद करने के लिए आगे आएंगे, लेकिन उनको ही आज राज्य सरकार ने बेरोज़गार कर दिया है। यानी कि ये साफ़ है कि रोज़गार के नाम पर
तो सरकार कुछ दे नहीं रही, लेकिन जिन लोगों के पास रोज़गार था भी उन लोगों का रोज़गार भी छीन लिया गया है। तो आपने सुना उन बेरोज़गार युवाओं ने क्या कहा, उनकी नौकरी तो ज़रूर चली गई लेकिन वो अभी भी इंतज़ार में है कि शायद राज्य सरकार उनको फिर से नौकरी देगी। और जिस तरीके से बेरोज़गारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, शायद उसमें कहीं कमी होगी। लेकिन इतना ही नहीं, अब ज़रा हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार विपक्षी दल कांग्रेस और सत्ता दल बीजेपी क्या कुछ कहती है इस बेरोज़गारी के आंकड़े पर। विपक्षी दल कांग्रेस हमारे साथ मौजूद है और कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आरपी रतूड़ी जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से बेरोज़गारी पूरे प्रदेश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रोज़गार देने के नाम पर राज्य सरकार बिल्कुल फेल नज़र आ रही है, और इसमें केवल भूमिका राज्य सरकार की नहीं है बल्कि भूमिका है जब से प्रदेश बना तब से उन सभी राजनीतिक दलों की जिनके पास रोज़गार देने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। सर, इस समय वर्तमान में अगर बात करें तो बेरोज़गारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा जो बेरोज़गार है वो उस समय उत्तराखंड में है, किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर जो सरकार के ज़रूरत और व्यवस्था थी वो रोज़गार देने की थी। हमारी सरकार भी रही है उत्तराखंड में, हमने रोज़गार देने के साधन ढूंढने का काम किया। तिवारी जी के कार्यकाल में आपने देखा होगा हमने सिडकुल डेवलप किए, उन सिडकुल के माध्यम से हमने स्थानीय लोगों को रोज़गार देने की बात की। लेकिन वर्तमान सरकार तो जुमलोबाज है, जुमलों से काम चल रहा, रोज़गार क्यों देंगे? अरे भाई, जब आपको वोट 15 लाख वोटों से और 2 करोड़ रोज़गार 15 लाख रुपए से मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है, तो काम क्यों करे? कहावत है कि जब मिले यूँ तो करे क्यों। भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी ना रोज़गार देने में गंभीर है, और आज तो दुर्भाग्य ये है कि पूरे भारत में अगर आंकड़ों के आधार पर देखें, प्रतिशत के आधार पर देखें, तो उत्तराखंड सर्वोपरि है, उसमें नंबर एक है। उस पर इनको बल्कि इनाम मिलना चाहिए उत्तराखंड की सरकार को, भाजपा की सरकार को, कि ये बेरोज़गारी दर में उत्तराखंड को नंबर एक लाने पर कामयाब हुए। तो जब सरकार की सोच और नियत और नीति साफ नहीं होती तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। सर, एक और चीज़ है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकाल में बेरोज़गारी दर बढ़ा, लेकिन कांग्रेस कार्यकाल में भी जो बेरोज़गारी दर था वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। क्या लगता है कि उस समय भी आप लोगों को कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए थे जिससे ये स्थिति और ज़्यादा ना बढ़ती? देखिए, मैंने कहा नहीं कि हमारे कार्यकाल में रोज़गार की व्यवस्था देने का काम मैं पूरे उत्तराखंड में, आप सितारगंज का सिडकुल देखें, आप हरिद्वार का देखें, आप सेलाकुई का देखें, तो यहाँ लोगों लोकल स्थानीय लोगों को तो रोज़गार दिया। आप जितना भी आप देखेंगे उपनल कब का है, उपनल के माध्यम से जो रोज़गार दिया वो कांग्रेस ने दिया। अगर आप देखेंगे तो चाहे शिक्षा है, 12,000 अध्यापकों को किसने रोज़गार दिया? हमने पुलिस में कम से कम 7,500 की भर्ती हमारे कार्यकाल में हुई। जरा ये बताएं बीजेपी के लोग कि आपके कार्यकाल में कितना हुआ। स्वास्थ्य में अगर आप देखें तो डॉक्टरों की सबसे अधिक भर्ती, नर्सों की सबसे अधिक भर्ती कांग्रेस कार्यकाल में हुई। भाजपा के कार्यकाल में ये सब बैकलॉग में है, भर्तियां हैं, ज़रूरत है, लेकिन आप उनको भरना नहीं चाह रहे, सरकार की सोच नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी सोच थी कि बेरोज़गारी अगर समाप्त, हम रोज़गार नहीं दे पा रहे तो हमने मनरेगा दिया। ये मनरेगा भी ग्रामीण स्तर पर रोज़गार देने की एक योजना थी। ये सरकार तो कहीं पर भी गंभीर नहीं है, कहीं पर भी रोज़गार देने की कोई लगता है कि कोई सोच ही नहीं है, सरकार की कोई सोच नहीं है। तो आपने सुना विपक्षी दल कह रहे हैं कि सरकार की कोई सोच नहीं है कि वो बेरोज़गारों को रोज़गार दे पाए, और उनके कार्यकाल में कई स्थानों पर सिडकुल खोले गए और स्थानीय के साथ साथ पहाड़ों में मनरेगा जैसी योजनाओं के साथ पहाड़ के लोगों को भी रोज़गार दिया गया। तो आपने सुना विपक्षी दल कांग्रेस और सत्ताधारी दल बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए लेकिन किसी ने भी रोज़गार देने की बात नहीं कही। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड जब राज्य बना तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी और उन युवाओं की
सबसे ज़्यादा उम्मीदी ये थी कि शायद पहाड़ के जो युवा हैं उन्हें पहाड़ में ही रोज़गार मिल पाएगा और उन्हें रोज़गार की तलाश के लिए अपने राज्य से बाहर नहीं जाना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज फिर एक बार उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बेरोज़गार उत्तराखंड में हैं। लेकिन कब तक जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी रोटियां इन बेरोज़गारों से सेकती रहेगी और कब तक उत्तराखंड के युवाओं को रोज़गार मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यदि जल्द ही इस तरीके से बेरोज़गारी दर बढ़ती रही तो आने वाले वक्त में जो उत्तराखंड के बेरोज़गार युवा हैं वो आगे उनका भविष्य क्या होगा। हालांकि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया चाहता है कि जो बेरोज़गारी दर है वो कम हो और लोगों को रोज़गार मिले। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।